देवास जिले के भौरासा नगर परिषद के पार्षदों में इस समय जमकर गुटबाजी हो रही है। नगर परिषद के 15 पार्षद इस समय दो गुटों में बट गए हैं और नगर में पार्षदों की गुटबाजी को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। कल शाम को नगर परिषद के 10 पार्षदों के एक गुट ने शुक्रवार को नगर परिषद के विशेष सम्मेलन की बैठक को लेकर आशीर्वाद रिसोर्ट पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पार्षद अनिल आदिवासी, जाकिर पठान, राधे बरेठा, पार्षद प्रतिनिधि राहुल राठौर, मोनू भवसार, अजय गुप्ता, जितेंद्र कुशवाहा, बबलू हाडा, बाबूलाल शिंदे और दीपक बिलवान उपस्थित थे। सर्वप्रथम वार्ड 2 के पार्षद अनिल आदिवासी ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी पार्षद नगर विकास के साथ हैं, हम नगर विकास में किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं लगा रहे हैं। पार्षद आदिवासी ने बताया कि पूर्व में किए गए सभी प्रस्ताव जो अमल में नहीं लाए गए हैं उन्हें निरस्त कर दिए गए हैं और UIDSSMT योजना अंतर्गत पेयजल योजना में प्रतिवर्ष 20 लाख का मेंटेनेंस संबंधित एजेंसी को देना है जिसे परिषद ने निरस्त कर दिया है और पेयजल योजना का मेंटेनेंस नगर परिषद कर्मी करेंगे। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत 1.5 करोड़ का लोन लेकर सीसी रोड और नाली बनाने पर सहमति दी गई। तीनों शमशान के नवीन और सौंदर्यकरण का भी प्रस्ताव पास किया गया। कायाकल्प अभियान अंतर्गत जुलूस मार्ग में घटिया निर्माण करने के कारण संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया है। वहीं पार्षद ने कहा कि हम किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हटाने और बेरोजगार करने या रोजी रोटी छीनने के पक्ष में नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को हमने निरस्त कर दिया है। पार्षद प्रतिनिधि राठौर ने बताया कि परिषद ने सभी वार्डों में सीसी रोड और नाली निर्माण, वार्ड 2 में शमशान निर्माण, वार्ड 4 में मांगलिक भवन निर्माण, वार्ड 8 में 3 शेड निर्माण, वार्ड 10 में मंदिर का जीर्णोद्धार, वार्ड 12 में मांगलिक भवन, वार्ड 14 में शमशान की चद्दर बदलवाने की सहमति दी गई है। पार्षद प्रतिनिधि राठौर ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष और CMO द्वारा हम पार्षदों की बिना जानकारी के पूर्व नगर परिषद के कार्यकाल की 53 लाख की राशि भुगतान कर दी गई है। इस राशि का उपयोग शमशान के निर्माण और विकास कार्य में किया जा सकता था। इस कारण परिषद द्वारा बहुमत का उपयोग करते हुए अध्यक्ष और CMO से वित्तीय अधिकार छीन लिया गया है। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।